हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्ले विद केमिस्ट्री। तो बच्चों, अब जिस क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन कौन सा है? 11.4। और देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की, और किसके बॉइलिंग पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया गया है प्रोपेनॉल और दूसरा दिया गया है ब्यूटेन। और इसके ध्यान से देखिए इसके स्ट्रक्चर को बच्चों, CH3CH2OH, ये है प्रोपेनॉल और ये हो गया बच्चों ब्यूटेन। तो ये कैसा हो गया, ये तो है बच्चों नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। और ये कैसा है? पोलर। लेकिन प्रोपेनॉल पोलर तो है, लेकिन इसमें खास बात है। क्या खास बात है बच्चों? यहाँ पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेबिलिटी के केस में हम हमेशा किसे देखेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एच अटैच विद नॉफ, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए O के साथ H है, तो देखिए यहाँ H ये O, अगर नाइट्रोजन भी है तब भी, और H के साथ F है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है बच्चों? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो देखो ये कैसे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, ये देखिए ये हो गया OH, और ये मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ PR। तो ये आ गया बच्चों PR, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, OH PR, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, OH यहाँ आ गया PR, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी चैन फॉर्म में बनती चली जाएगी। इट मीन्स इसमें अनलिमिटेड हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इट मीन्स देयर इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंटरेक्शन हो रही है, तभी तो ये बॉयल करना शुरू करेगा। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, और ये कैसा है, नॉन पोलर, तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या लगेगा, बीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बच्चों। कैसा, बीक। तो आप थोड़ी सी अगर इसमें एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होगा, हाई जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा बच्चों, प्रोपेनॉल का। और उसका मेन रीजन क्या होगा, उसका मेन रीजन होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।